नाहन शहर में पिछले कई वर्षों से पार्किंग की समस्या बनी हुई है और धीरे धीरे ये समस्या विकराल रूप ले रही है। इस ऐतिहासिक शहर की आबादी लगभग 60,000 है और लोगों की ज़रूरत के मुताबिक अभी तक वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग का निर्माण नहीं हो पाया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सतीश शर्मा की ये रिपोर्ट। ऐतिहासिक शहर और नाहन की जहाँ लगातार पार्किंग समस्या लोगों के लिए जी का जंजाल बन रही है। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से उनको यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है और प्रदेश सरकार से उनको अब क्या उम्मीदें हैं। पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली लोग कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते हैं, तो प्रॉपर कोई इसके लिए प्रोविज़न होना चाहिए कि सिस्टमेटिक वे में पार्किंग वगैरह हो सके। लोग कहीं भी दाएं बाएं गाड़ी खड़ी कर देते हैं, मतलब कोई एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जी। तो सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि कैसे मतलब इन गाड़ियों को हटाएं और बाकी सरकार को थोड़ी पार्किंग्स वगैरह भी बढ़ानी चाहिए और लोगों को गाइड करना चाहिए कि उसमें अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर। इस तरह से लोगों को वाहन बढ़ रहे हैं या पार्किंग की जो समस्या दूर होनी चाहिए वो पर्याप्त रूप से नहीं हो पाई है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि रोड सेफ्टी क्लब और ट्रैफिक पुलिस का भी कहीं ना कहीं कमी का कारण है कि वो लोगों को नहीं मतलब पार्किंग तक गाड़ी पहुंचाने में समाधान कर रहे हैं। नाहन शहर में पार्किंग के इतने बुरे हाल हैं कि आप दो मतलब गाड़ी तो लोकल बंदा गाड़ी निकालता ही नहीं है। जो हमारे यहाँ पे कमेटी है ये इसको पार्किंग की समस्या को दूर करे और पार्किंग की समस्या को लेकर एक बात ये भी है कि जो यहाँ मोहल्ला गोविंदगढ़ में बार बार जाम लगता है, प्रशासन से मेरा अनुरोध ये रहेगा कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करे, क्योंकि सुबह स्कूली बच्चे जाते हैं, लोग ऑफिस जाने वाले हैं, जाम में फंसते हैं, उसके लिए बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा कि नाहन शहर के लोगों को किस तरीके से यहाँ पार्किंग समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उम्मीद है कि वो इस समस्या को समझेंगे और जल्द कोई यहाँ पार्किंग समस्या का समाधान निकलेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन से सतीश शर्मा।